नंबर 62, भारत की जलवायु। प्रश्न 1, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। बी, वर्ष भर लगातार वर्षा। सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। सी, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। उत्तर है सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। प्रश्न 2, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ए, अल बरूनी। बी, अल मसूदी। सी, अल अहमदी। डी, इब्न खुरदाद बेह। उत्तर है बी, अल मसूदी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ए, एल नीनो। बी, जेट स्ट्रीम। सी, तिब्बत का पठार। डी, गल्फ स्ट्रीम। उत्तर है डी, गल्फ स्ट्रीम। प्रश्न 4, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ए, दक्षिण पूर्वी मानसून। बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। सी, उत्तर पूर्वी मानसून। डी, उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर है बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ए, राजस्थान। बी, तमिलनाडु। सी, कर्नाटक। डी, पंजाब। उत्तर है बी, तमिलनाडु। प्रश्न 6, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी, स्थलीय एवं सागरीय समीर से। डी, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से। उत्तर है ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। प्रश्न 7, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ए, तमिलनाडु। बी, महाराष्ट्र। सी, गोवा। डी, केरल। उत्तर है डी, केरल। प्रश्न 8, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ए, मध्य प्रदेश। बी, बिहार। सी, पंजाब। डी, उड़ीसा। उत्तर है सी, पंजाब। प्रश्न 9, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ए, नॉर्वेस्टर्स। बी, नॉर ईस्टर्स। सी, ईस्ट वेस्टर्स। डी, साउथ ईस्टर्स। उत्तर है ए, नॉर्वेस्टर्स। प्रश्न 10, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ए, जनवरी फरवरी में। बी, जून सितंबर में। सी, मार्च मई में। डी, अक्टूबर नवंबर में। उत्तर है डी, अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न 11, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ए, स्थानीय झंझावात। बी, लौटता मानसून। सी, पश्चिमी विक्षोभ। डी, पूर्वी विक्षोभ। उत्तर है सी, पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 12, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ए, उत्तर पश्चिम मानसून। बी, उत्तर पूर्वी मानसून। सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। डी, पश्चिम विक्षोभ। उत्तर है बी, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न 13, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ए, बीकानेर। बी, चेरापूंजी। सी, माओ सिनराम। डी, शिमला। उत्तर है सी, माओ सिनराम। पृष्ठ 370। प्रश्न 14, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? ए, केरल तथा मध्य प्रदेश। बी, मेघालय तथा राजस्थान। सी, असम तथा राजस्थान। डी, केरल तथा राजस्थान। उत्तर है बी, मेघालय तथा राजस्थान। प्रश्न 15, माओ सिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि ए, यहाँ निम्न दाब रहता है। बी, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं। सी, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। डी, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। उत्तर है डी, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। प्रश्न 16, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? ए, अल्प वर्षा। बी, कर्क रेखा से निकटता। सी, मरुस्थल से निकटता। डी, समुद्र से अधिक दूरी। उत्तर है
डी समुद्र से अधिक दूरी। प्रश्न 17, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है ए तमिलनाडु कर्नाटक, बी पंजाब राजस्थान, सी पंजाब तमिलनाडु, डी उड़ीसा कर्नाटक। उत्तर है ए तमिलनाडु कर्नाटक। प्रश्न 18, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है ए लौटता मानसून, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी स्थानीय पवन, डी शीतकालीन मानसून। उत्तर है बी पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 19, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है ए लेह, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। उत्तर है ए लेह। प्रश्न 20, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता ए अधिक ताप एवं कम वर्षा, बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी कम ताप एवं कम वर्षा, डी कम ताप एवं अधिक वर्षा। उत्तर है बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। प्रश्न 21, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है ए मौसमी वर्षा, बी अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, सी वर्षा का असमान वितरण, डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। उत्तर है डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। प्रश्न 22, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि ए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, बी भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, सी जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, डी देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। उत्तर है डी देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। प्रश्न 23, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि ए पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, बी इसके निकट घने वन नहीं है, सी यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, डी यह वृष्टि छाया में पड़ता है। उत्तर है डी यह वृष्टि छाया में पड़ता है। प्रश्न 24, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है ए भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, बी भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, सी देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, डी ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। उत्तर है डी ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। प्रश्न 25, भारत में वर्षा का औसत है ए 98 सेंटीमीटर, बी 118 सेंटीमीटर, सी 128 सेंटीमीटर, डी 138 सेंटीमीटर। उत्तर है बी 118 सेंटीमीटर। प्रश्न 26, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है ए मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, बी मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, सी मूसलाधार एवं संवाहनिक वर्षा, डी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। उत्तर है डी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। प्रश्न 27, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है ए झंझावातों से, बी लौटते मानसून से, सी पश्चिमी विक्षोभों से, डी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। उत्तर है सी पश्चिमी विक्षोभों से। प्रश्न 28, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है ए पश्चिमी विक्षोभ से, बी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, सी अरब सागर की मानसूनी शाखा से, डी लौटते मानसून से। उत्तर है ए पश्चिमी विक्षोभ से। प्रश्न 29, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है ए केरल तमिलनाडु कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार, डी असम मणिपुर त्रिपुरा। उत्तर है बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 30, आम्र वर्षा है ए आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी
बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। डी आम की फसल। उत्तर है सी बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। प्रश्न 31। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, डी इनमें से सभी। उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 32। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है ए कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, बी पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, डी उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र। उत्तर है ए कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। प्रश्न 33। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ए बंगलौर और चेन्नई, बी अजमेर और शिलांग, सी मुंबई और विशाखापत्तनम, डी नागपुर और कोलकाता। उत्तर है बी अजमेर और शिलांग। प्रश्न 34। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है ए दक्षिण पूर्व मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। उत्तर है बी दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न 35। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबद्ध है। ए लानीना, बी धारा प्रवाह की गति, सी एलनिनो तथा दक्षिणी दोलन, डी विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव। उत्तर है सी एलनिनो तथा दक्षिणी दोलन। पृष्ठ 371। प्रश्न 36। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, बी आंधी उत्तर प्रदेश, सी चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, डी आम्र बौछार आंध्र प्रदेश। उत्तर है डी आम्र बौछार आंध्र प्रदेश। प्रश्न 37। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 38। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माव सिनराम में होने का कारण है ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, बी वहां सदा निम्न दाब बना रहना, सी वहां सदा उच्च दाब बना रहना, डी वहां काफी सघन वनस्पति पाया जाना। उत्तर है ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। प्रश्न 39। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। ए लगभग 40%, बी लगभग 75%, सी लगभग 90%, डी लगभग 100%। उत्तर है बी लगभग 75%। प्रश्न 40। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी उत्तर पूर्वी मानसून से, सी स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी उत्तर पूर्वी मानसून से। प्रश्न 41। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। ए क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, बी चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, सी चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, डी चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है जबकि कोलकाता पड़ता है। उत्तर है सी चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। प्रश्न 42। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है।
ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। उत्तर है सी चेन्नई। प्रश्न 43, आम्र बौछार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए यह केरल राज्य में मानसून के पश्चात होती है, बी यह केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है, सी यह पंजाब तथा हरियाणा में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी यह केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है? ए भारत में वर्षा की अनिश्चितता है, बी भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान है, सी यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा के कुछ ही महीनों में वर्षा होती है, डी यहाँ के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। उत्तर है बी भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान है। प्रश्न 45, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। प्रश्न 46, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। उत्तर है डी उड़ीसा। प्रश्न 47, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। उत्तर है सी दक्षिण पूर्व। प्रश्न 48, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। उत्तर है ए उड़ीसा। प्रश्न 49, मानसून किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। उत्तर है ए अरबी।